एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिग लाइफ इट्स सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में इस वाली लैब में आई हूँ। वैसे तो ये वाली लैब भी हमारी है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वो वाली लैब भी हमारी है, लेकिन अभी काम का वर्न कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं इधर वाली लैब में नहीं बैठती और यहाँ से मैं वहाँ चली जाती हूँ मॉर्निंग में ही। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई वीडियो शूट करने के लिए। और आपको पता है मैंने जब अपने YouTube की शुरुआत करी थी तो मैंने इसी जगह से करी थी और काफ़ी अटैचमेंट है यार इस जगह से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम यहाँ पर निकाला है, करीबन 3 साल। तो यार इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है इस जगह से कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं। और ये काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे पोस्टर्स वगैरह लगा दिए हैं और जो मतलब कलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी कर दी है, तो अब काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। और सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पर एसी चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एसी का मज़ा भी लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स आज वीडियो की शुरुआत में इधर से कर रही हूँ, उधर से नहीं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको पता है आप लोगों के साथ मेरा एक चीज़ शेयर करनी थी मुझे। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसका बहुत सारे टेस्ट लिखे थे वैसे तो, लेकिन एक लिखा था FNAC। तो उसको मतलब आंटी को ना फिंगर में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसके फिंगर में एक इतनी ऊंची सी गिठान हो गई। तो पहले हमें लगा कि वो बहुत सी टाइट होगी और मतलब देखने में ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत टाइट है, बट जब उसमें से हमने पर्स निकाला तो काफ़ी सारा पर्स निकला। गाइस जो आंटी मतलब जिनका टेस्ट था ना वो काफ़ी एज में भी थे और उनकी फैमिली से कौन आया था और उनकी कंडीशन क्या थी ये सब आपको आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके पहले मैं आपको मेरी पूरी लैब दिखाती हूँ कि मेरी लैब में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एंड हाँ गाइस फ़ोन ख़राब हो चुका है तो थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आ रही है तो मैं भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बैड फील कर रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को मेरी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, अच्छी वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या करूँ यार गाइस मैं भी मतलब यार परेशान हूँ, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नया फ़ोन नहीं ले सकती। तो चलिए आपको पूरी लैब दिखाते हैं, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। तो गाइस आप देख सकती हो ये वाली फ़ोटो यहाँ पर लगी है और ये काफ़ी बड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है, इससे हमारी लैब बहुत प्यारी लग रही है। और इधर कुछ पैकेज वगैरह लिखे हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इधर भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हुई है, मैं अंदर भी दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है लैब अब हमारी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हमारी एसी जो कि मस्त ठंडी ठंडी सी हवा दे रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एसी में बैठकर। अच्छा फील हो रहा है कि मतलब यार चलो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली। और चलते हैं हम आगे की साइड में, और इधर हमारे बैठे हैं गणेश जी जो कि लक्ष्मी जी भी बैठे थे पहले, और लक्ष्मी जी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, गणेश जी को यहाँ बिठा दिया क्योंकि लक्ष्मी जी का होना बहुत ज़रूरी ना ऑफिस में, नहीं तो फिर लक्ष्मी माता कैसे आएगी हमारे ऑफिस में। बहुत बड़ा हो गया ना आंटी, तो दर्द हो रहा है इसमें? दर्द हो रहा है? सुबह ऐसे ये साइड में करो आंटी, इस साइड से। अरे बाप रे दर्द हो रहा है, होता है सही? पका हुआ है क्या? ऐसे उंगली दबाओ तो उस उंगली से दबाओ आपकी दूसरे हाथ की। सर निकलेगा तो सही है सामने वाली साइड से, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा ना इससे। कर लो खोल लो हाथ को, सर देखो क्या ग्लव्स पहन के आओ। बाप रे बाप क्या यार आंटी क्या हो जाता है 3-4 महीने हो गए ना, पेट पे भी हो रही है? यहाँ पेट पे भी हो रही है आपके? तो ये यहाँ ना सामने ये अरे बाप, माँ भी यहाँ से भी कुछ निकाला क्या? पेट पे भी हो रही है? तो
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा आंटी को कितना ज़्यादा बड़ा फोड़ा हो रहा है, फोड़ा बोल सकते हैं फिर गिठान बोल सकते हैं। तो बस अब उसमें से हमको लेना है सैंपल, तो उसके लिए सर पहन रहे हैं यहाँ पे ग्लव्स और गाइस उसके अंदर से पता नहीं कितना सारा पस निकलेगा, तो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे देख कर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर सैंपल निकालने की, और आप लोगों को जितना डर लग रहा है ना उससे कई ज़्यादा डर मुझे लग रहा था कि बेचारी आंटी कैसे क्या करेंगी जब उनका सैंपल लेंगे तो कितना ज़्यादा पेन उन्हें होगा। और आपको पता है उनके घर से उनके साथ में कोई भी नहीं आया, सिर्फ जो पास में एक आंटी खड़े ना वो आए हैं, और वो भी ये इन जिनका पास सैंपल हम ले रहे हैं ना वो इनकी बुआ है वो और उनकी भतीजी है। आपको पता है इनके तीन बच्चे हैं लेकिन तीनों बच्चों में से कोई नहीं आया। तो गाइस क्या मतलब है ऐसे बच्चों का जो ऐसी स्थिति में भी माँ बाप का साथ नहीं दे सकते, उनकी परवाह नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा है कि यार बिना बच्चों के रहना अच्छा है। तो गाइस इससे अच्छी तो मैं हूँ, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मेरा भाई नहीं है, मैं कभी कभी रोती हूँ यार, सच में भी कोई किसी का नहीं होता यार। आंटी की जब मैंने सारी स्टोरी सुनी और सारी बात उनकी सुनी ना तो मुझे रोना सा आ गया कि यार बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर पहले उसे अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद इसमें से सैंपल निकालेंगे। और सच में लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हम उसके अंदर प्रिक करेंगे ना वैसे वो फूट जाएगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा, लेकिन अब वो तो आगे पता चलेगा आप लोगों को कि क्या हुआ है। और आंटी को देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और बेचारे को पता है पेट पर भी ऐसी ही गिठान हो गई है, तो अब रिपोर्ट्स बस नॉर्मल आए। मैं भगवान जैसे यही प्रे कर रही हूँ कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आनी चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हो सर प्रेक कर रहे हैं, और जैसे ही प्रेक कराना तो मेरी जान निकल गई, मतलब यार उनको दर्द हो रहा था तो ऐसा लग रहा था मुझे दर्द हो रहा है यार, क्योंकि माँ किसी की भी हो लेकिन दर्द तो दर्द होता है ना यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे सुई लग रही है, और जो सब कुछ मैंने सुना ना उसको जानने के बाद तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा पस निकल रहा है, ये तो हमने सिर्फ सैंपल के लिए उसे निकाला है, पूरा पस हमने नहीं निकाला है क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, हमें तो सिर्फ सैंपल लेना था इसलिए हमें जितनी नीड थी हमने उतना पस निकाला। तो आप सोच सकते हो अगर हमें ज़रूरत के हिसाब से इतना सारा पस निकला तो आप सोचिए उसके अंदर कितना पस है। और आप देखिए आंटी कितना डर रही हैं, बेचारी रोने लग गई थी और पता है उसके अंदर से ब्लड भी आने लग गया था, तो बहुत बुरा लग रहा था यार। और उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो इतना अफोर्ड कर पाए, तो हमने उन्हें डिस्काउंट भी दिया, हमने बोला कि कोई बात नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे फिर कभी देख लेंगे, अभी आपके पास जितना भी है आप पे कर दीजिए। क्योंकि यार गाइस ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा हर चीज़ बिज़नेस से ही देखी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए। तो बस मुझे ऐसा लगा कि आज पहली बार मौका मिल रहा है, पहली बार तो क्या कई बार मुझे ऐसा होता है तो मैं मदद करती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल से मतलब दिल से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि नहीं आज मुझे हेल्प करनी चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हो उनको ब्लड आ रहा है इसलिए हमने इतना सारा कॉटन उसके ऊपर लगा दिया है, और यहाँ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पस निकला है, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगी। और आपको पता है ये ऐसा का ऐसा पस हम सिरिंज के साथ ही बाहर भेजेंगे, उसको टेप से अच्छे से कवर करेंगे उसके बाद इसे भेजेंगे। और आंटी का चेहरा आप देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना गाइस, उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे ही यार, अब पता नहीं क्या होगा उनके साथ में। और आपको पता है ये जब सुबह मॉर्निंग में आए थे ना तो इनके बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए थे, तो हमने और सर ने एडवाइस करा कि आप सिविल में करवा लीजिए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो यार पैसे नहीं थे तो क्यों ज़बरदस्ती किसी को लूटना, नहीं तो हम ये भी कर सकते थे कि नहीं यार अगर आप कहीं से भी लाओ हो जाएंगे टेस्ट, अगर हम उनका सैंपल ले लेते और हम उसके साथ ज़बरदस्ती करते तो बेचारी को क्या, उनको इतना पता भी नहीं, वो इतना जानती भी नहीं, अगर कोई समझदार व्यक्ति उनके साथ आता तो उन्हें कुछ पता भी रहता, उनके साथ कोई भी नहीं आया था। तो आप यहाँ देखिए कितना सारा पस है, इतना सारा पस निकल गया, और इसका कलर आप देख सकते हो हल्का सा पिंक कलर का है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पस हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा पक चुका है। और इधर आप देखिए हमारे सुनील भैया काम कर रहे हैं, तो चलिए आपसे आगे आंटी से डायरेक्ट बात करते हैं। तो अगर पस नहीं निकलता है ना इसमें तो फिर वो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं वो कैंसर वाली हो, अब वो रिपोर्ट आएगी सब पता चल जाएगा। तो लग रहा है दो दिन में इनको खुद ब खुद आराम मिल जाएगा, देखना पड़ेगा, एक बार मुंह हो गया ना इसका तो पास अपने आप निकल जाएगा। अच्छा खुद लिया आज नहीं निकला ही नहीं, तो ऐसे डॉक्टर के पास चल जाते, सीरिंज से निकला लेते, खुदा खुद ही क्यों करा, खुदा खुद ही कर लिया टाइट कर, तो उससे क्या हुआ कि ये पक गया बहुत ज्यादा, तो अच्छा। वो पक गया है तो अच्छा, और अब निकल रहा है, अब मेरी बात सुनो रिपोर्ट आ जाए ना, अभी मैं
तो डॉक्टर से निकलवा लेना। नहीं कुछ मत करो, दवा ववा क्यों सर, और कुछ हो जाएगा। नहीं अभी दो दिन रुक जा, रिपोर्ट आएगा जब तक रुक जा, ठीक है। वो पर्चा कहाँ है? जांचे हो गई तो अच्छा रहा। फिर ये हमारे टेक्नीशियन सर ये काम तो FNSE USG हाँ FNSE USG सब लिखा है, RFT और ये सब तो हो गई ना आपकी, बाकी ये दो रह गई सोनोग्राफी। ये करवानी है तो इनके पास पैसे नहीं है, मैं इनको कल हल करवा लेंगे। तो तुम ही करा लो ना सिविल में। हाँ सिविल में हो जाएगी, क्या दिक्कत क्या है। हाँ आप 200 रुपये तो लगते हैं, क्या करें, इसलिए तो आपके पैसे कम कर दिए हैं। आप बोले पैसे नहीं है तो हाँ यार मेरे को तो फूट जाएगा, बाहर आ जाएगा ऐसा लगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा आंटी को कितना ज्यादा पस निकला, और मुझे तो लग रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा, और आंटी कितनी ज्यादा घबरा गई थी गाइस। और सबसे बड़ी बात सोचने वाली तो ये कि उसकी फैमिली मेंबर में से कोई नहीं आया, उनके साथ में उनकी भतीजी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी बुआ थी, वो उनके साथ में उनकी भतीजी आई थी, जो कि बेचारे को इतना नॉलेज नहीं है, ना ही आंटी को इतना नॉलेज है। और आपको पता है गाइस उनके टेस्ट के काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनको डिस्काउंट करके टेस्ट किया, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अब ऐसे समय में हम थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते ज़्यादा नहीं तो, और उन्हें देखकर ना थोड़ा सा बुरा लग रहा था। अब उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी, अब उनकी रिपोर्ट में क्या आता है वो भी हम देखते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। और आंटी तो मतलब आंटी मुझे बोल रहे थे कि मैंने तो पहले ही उससे पीन से खोद खोद के ना उसका बहुत सारा निकाला, तो मैंने उनको मना किया कि आप ऐसा कुछ मत करो, ये इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए उनको समझा बुझा कर मैंने भेजा है। तो जब उनकी रिपोर्ट आएगी ना तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। भगवान सब कुछ ठीक आए, बस भगवान जी से आप भी प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो, बेचारी इस उम्र में कैसे क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही उनकी फैमिली ने उनका सपोर्ट नहीं किया है, तो ऐसी हालत में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और एक बात याद आए, आज के ज़माने में ना कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, मैं खुद की हेल्प खुद को करनी पड़ती है, इसलिए आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड ना करके खुद का काम खुद से करें, और इस काबिल बने कि आप अपनी सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर सके। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सारा काम हर किसी के बिना हो सकता है, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ तक पहुँचूँ कैसे पहुँची वो मैं जानती हूँ, और मैंने यूट्यूब के लिए क्या क्या किया है, मेरी जॉब के लिए क्या किया है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी और आज भी मैं कर रही हूँ, और करना ही होगी ना यार, क्योंकि हमें अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और मेहनत नहीं करेगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो का अभी यहीं एंड करेंगे। एंड हाँ गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले, एंड मेरी सारी वीडियोज़ आप देख पाओ। एंड हाँ गाइस प्लीज़ यार गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि मेरे जल्दी से 100K हो जाए, और मैं अच्छी सी पार्टी रहूँ, और आप लोग सब लोगों को इनवाइट करूँ। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, तब मैं अपने मतलब जब मैं ना अपने सारे सब्सक्राइबर से मिलूंगी, मेरी फैमिली से मिलूंगी, मतलब एक यूट्यूब भी मेरी फैमिली है ना यार गाइस, इसलिए। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।